आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर हमें सुनने को मिलती ही रह रही है। 2020 में कोरोना ने लोगों को बता दिया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही बिजनेस ऐसा है जो रिसेशन प्रूफ है, एंड वो है मेडिकल का फील्ड। अभी हाल फिलहाल का न्यूज आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि मंकी पॉक्स नाम का वायरस बढ़ते जा रहा है। सो किसी भी टाइप का बीमारी हो, एक चीज कॉमन है, दवाई, और दूसरा जाँच, डायग्नोस्टिक। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपोलो डायग्नोस्टिक के बारे में, जिसका फ्रेंचाइजी लेकर आप अपने करियर को संवार सकते हैं और समाज का सेवा भी आप कर सकते हैं, देश की सेवा में भी आप मदद कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर लोगों का सेवा भी होता है एंड आपकी अर्निंग भी होती है। यही तो खासियत है मेडिकल फील्ड का, अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर। दरअसल इस टाइप के डायग्नोस्टिक सेंटर में काम क्या करना है, पहले तो काम समझ लेते हैं। काम बहुत ही सिंपल है, एक कलेक्शन सेंटर के तौर पे आपको वर्क करना है। यानी कि ये नहीं कि आपको डायग्नोस्टिक करना है खुद से, मैंने किसी का ब्लड निकाले खुद से, ऐसा कुछ नहीं करना। आप एज ए कलेक्शन सेंटर के यूनिट के तौर पे एक काम करेंगे। कलेक्शन सेंटर के यूनिट के तौर पे काम करने के लिए कितना एरिया चाहिए, तो 100 से 150 स्क्वायर फीट एरिया आपका इनफ होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता। एक आध दो चेयर रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड जो भी आप ब्लड वगैरह ये सब कलेक्ट करके लाएंगे तो उसको स्टोरेज करने के लिए एक स्पेस होता है, और आपका एक छोटा सा काउंटर रहेगा, दैट्स इट। तो यानी कि 100 से 150 स्क्वायर फीट के एरिया में आप इस काम को कर सकते हैं। सेकेंड नंबर एक बात आती है कि लोकेशन कैसा लें। मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस करने के लिए लोकेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने शहर से कर सकते हैं, गाँव में हैं तब भी आप कर सकते हैं, गाँव में भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इस काम को करने के लिए हमें सर्टिफाइड मेडिकल का डिग्री लेना पड़ेगा क्या। देखिए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके अंदर में आपको वैसे स्टाफ को रखने होंगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई ब्लड को कलेक्ट करने के लिए जा रहा है तो वो बंदा तो सर्टिफाइड ही होना चाहिए। तो आपको लेना ज़रूरी नहीं है वैसा डिग्री, आप वैसे डिग्री धारक के साथ मिल के इस काम को कर सकते हैं, उसको स्टाफ बना के आप इस काम को कर सकते हैं। बात की जाए कि अगर इस काम को करने के लिए जा रहे हैं कितना इन्वेस्टमेंट पड़ेगा, सबसे मेजर क्वेश्चन यही है। देखिए, इसमें जो कंपनी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली 3 से 4 लाख के बीच का इन्वेस्टमेंट है। इतना इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यों ले रही है, क्योंकि कंपनी का इसमें फ्रेंचाइजी फ़ी है। दूसरा हो गया, अगर आप अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर लेने के लिए जा रहे हैं तो इस फ्रेंचाइजी से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया एक इंटीरियर भी किया जाता है, उस इंटीरियर का भी इसमें खर्चा ऐड है, कुछ आपको इक्विपमेंट भी दिए जाते हैं, तब जाकर इतना खर्चा बन पड़ता है। अब बात की जाए कि कंपनी आपको क्या क्या सपोर्ट देती है, तो कंपनी इसमें फुल्ली सपोर्टिव है अपने फ्रेंचाइजी को लेके। आपको कैसे रन करना है पूरा बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, फ्रेंचाइजी कैसे रन करना है उसके बारे में बताया जाएगा, किस तरीके का टेक्निकलिटीज़ होती है इस बिज़नेस का उसके बारे में आपको डिटेल ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी कंपनी का सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल सपोर्ट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, चूंकि आप भी एक कंपनी के पार्ट हो गए। स्टाफ में किस टाइप का स्टाफ को अपॉइंटमेंट करना है उसमें भी आपको पूरा का पूरा कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मार्केटिंग, क्योंकि बिना पैसे का तो कुछ भी नहीं होना है। देखिए, मार्केटिंग में भी कंपनी का पूरा सपोर्ट है। सबसे पहला इनका सपोर्ट है कि कोई भी आदमी अगर सर्च करता है डायग्नोस्टिक सेंटर नियर मी इस टाइप का करके, तो वहाँ पे आपका शॉप नज़र आएगा। इस चीज़ को कंपनी इंश्योर करती है, उसके लिए आपका गूगल लिस्टिंग किया जाएगा। अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर के वेबसाइट के ऊपर में भी आपका स्टोर लोकेटर बोल के एक प्लेस होता है, वहाँ पर आपका डायग्नोस्टिक सेंटर का एड्रेस प्रोवाइड कराया जाएगा। आपके डायग्नोस्टिक सेंटर का वहां पर प्रॉपर वे में मोबाइल नंबर वगैरह दिया रहेगा, यानी कि आपको कॉन्टैक्ट वहां से तो मिल ही जाएगा कस्टमर के लिए। एक चीज मैं आपको एडिशनल बता देता हूं, देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, तो इस टाइप के काम करने के लिए आप लोकेशन जो है उसमें ध्यान दीजिए कि वो लोकेशन हो जहाँ पे आसपास हॉस्पिटल हो, या एक आध दो डॉक्टर के साथ आप टाई अप करने का ट्राई कीजिए। एंड डॉक्टर कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, क्योंकि वो सब कमीशन का खेल है, सब बिजनेस है, सब बिजनेस। कुछ लोग कमेंट करते हैं ये तो रोग भी बिजनेस हो गया, हाँ जी बिजनेस है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है। तो आपको डॉक्टर के साथ भी ऐसा टाई अप करना है, वो भी कमीशन बेसिस पर इस मामले में काम करते हैं। पूरा मेडिकल इंडस्ट्री ही कमीशन बेसिस पर काम करती है, वो चाहे दवाई वाले हों, डायग्नोस्टिक वाले हों, या कोई भी, लगभग सबका सेम सिस्टम होता है। तो आप अगर इस टाइप के लोकेशन में ओपन करेंगे तो आपका जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उसको चलने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड अपोलो का खुद का इतना बड़ा ब्रांड है,
तो फिर कहने ही क्या। आपने देखा होगा अपोलो ट्रामा सेंटर के नाम से हॉस्पिटल भी खुलता है, तो कितनी बड़ी ये ब्रांड है। अपोलो फार्मेसी भी है इनका। अपोलो फार्मेसी से एक डिटेल मैंने वीडियो बनाया है रिलेटेड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं या चैनल पर जाके देख सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे पास तो इतना पूंजी है ही नहीं, काम कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपके पास इतना पूंजी नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन में आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है मुद्रा लोन स्कीम के अंदर में। मुद्रा लोन स्कीम के अंदर में लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दूसरा हो गया 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा MSME का रजिस्ट्रेशन हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप करने के लिए जा रहे हो उसका एड्रेस प्रूफ हो गया, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। एंड इसके अलावा एक मेजर डॉक्यूमेंट होता है इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा लोन प्राप्त करने के लिए। आपको इनमें से जो डॉक्यूमेंट नहीं है, खास करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, MSME रजिस्ट्रेशन एंड इनकम टैक्स रिटर्न, ये तीनों ही डॉक्यूमेंट आपके लिए मेजर रोल प्ले करता है। इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं हो तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए आप myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए। ये इंडियाज नंबर 1 वेबसाइट है इस टाइप के लोन के मामले में असिस्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के काम करने के लिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर का अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल जो अभी आप वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर आपको आना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान दीजिए, apollodiagnostics.in/forbusinesspartner। यहां पर आपको आना है, इसके रिलेटेड काफ़ी डिटेल यहां पर दिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ के समझ लेना है। इंक्वायरी फॉर्म यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आप जब भी ओपन करेंगे तो यहीं पे आएगा, यही एक इंक्वायरी फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या डालना है आपको, अपना नाम, ईमेल, मोबाइल से स्टेट सेलेक्ट करना है, एंड कौन से उस स्टेट में कौन सा सिटी वो भी सिलेक्ट करना है, एंड क्या चीज़ आप लेना चाहते हैं आप ये भी बताइए। आपको हॉस्पिटल लैब मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस सेंटर के लिए आपको क्या लेना है, तो यहाँ पे पिकअप पॉइंट, यहाँ पर इस समय से ऑप्शन आपको चुनना है फ्रेंचाइजी PCC, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर आप डालकर आपको सबमिट कर देना है। कंपनी की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, एंड तब आपको फ्रेंचाइजी दे दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए एंड कमेंट में मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।